इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन, क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। शर्म नहीं आई ना तुम्हें अपने बेटे की टीचर के साथ चक्कर चलाते हुए? नमन, नमन, मेरे पति को तो मुझसे दूर कर दिया है, अब मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहती है। क्या ये? अब बच्चों को ऐसे हैंडल करती है? मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि किडनैपिंग में इसी का हाथ है और इसका साथ यह कुहू के पिता ने। जिसने हमारे बेटे को अगवा किया वो तो बाहर घूम रहा है और तुमने एक बेगुनाह के पीछे पुलिस लगा दी। सर, एक तारीख का निकिता के घर के एरिया का डम डाटा निकाला है, एक नंबर मिला है। किसका नंबर? कई बार पति पत्नी के बीच में समय के साथ साथ धीरे धीरे करके अपनेपन की कमी होने लगती है। हाँ या ना में जवाब देना, एक दूसरे के लिए कम समय दे पाना, एक दूसरे की जरूरतों को, अपेक्षाओं को जानबूझकर नजरअंदाज करना, अगर पति पत्नी मिलकर कोशिश करेंगे तो फिर इस रिश्ते में एक बार फिर उस मिठास को जगाया जा सकता है, दूरियां कम की जा सकती है। लेकिन अगर पति पत्नी मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो इस रिश्ते में गलतफहमी और शक अपने पांव पसारने लगेंगे और असर पैदा हो जाएगा एक भयानक अपराध के। पापा देखो मैंने क्या बनाया। दिखाओ बेटा। अरे वाह, दैट्स लाइक माय बॉय, बहुत सुंदर बनाया। अच्छा एक काम करो, कुछ और बनाकर दिखाओ, जैसे पापा और नमन पूल में मस्ती करते हुए, या फिर पापा नमन को मॉन्स्टर से बचाते हुए। ठीक है? ओके 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 पापा। अच्छा विक्रम, आज शाम को खुद को फ्री रखना। क्यों? वो क्या है कि तरुण के रिश्ते की बात करने के लिए अगले हफ्ते लड़की वालों के यहाँ जाना है और मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है, तो शॉपिंग पे ले चलना। बहुत बिजी हूँ सुमन, नहीं ले जा पाऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वही ड्राफ्ट करना है। तुम एक काम करो, मम्मी के साथ चली जाओ। अच्छा ठीक है, कम से कम लड़की वालों के यहाँ तो चलना, वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। यार तुम मुझे इन बेकार के चक्करों में मत डालो, और वैसे भी मैं तुम्हारे उस निकम्मे भाई की जबरदस्ती तारीफ नहीं कर सकता, मम्मी को तुम संभाल लेना। क्या कह रही है सुमन? वकील साहब और अफेयर? माँ, मुझे विक्रम पे शक पहले से था, लेकिन अब यकीन पे बदल गया है कि उसकी लाइफ में कोई औरत है। बस एक बाल की बना पे, कोई पुख्ता सबूत है क्या तेरे पास? तो अब आपको भी सबूत चाहिए? ठीक है, मैं सबूत दूंगी आपको भी और विक्रम को भी। हेलो हेलो माँ, कुछ पैसे दो ना, ढंग के कपड़े लेने। कल ही तो दिए थे तुझे पैसे मैंने। लेकिन मैं उसके तो जूते आ गए ना, थोड़े पैसे और दो। तेरी पैसे की जरूरत कभी खत्म ही नहीं होती, तू और तेरी बहन मेरी जान ही ले लो बस। मैं ऑफिस जाते हुए अमन को कोचिंग छोड़ रहा हूं, कुछ काम है। वाह पापा, तो मैं आज बहुत मस्ती करूंगा। बहुत मस्ती करना, तो चलो जल्दी से पापा के पीछे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
शर्म नहीं आई ना तुम्हें अपने बेटे की टीचर के साथ चक्कर चलाते हुए? क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं। झूठ मत बोलो विक्रम, तुम मुझे और पागल नहीं बना सकते हो। ये देखो सबूत है मेरे पास। तुम मेरा पीछा करती हो? अगर पीछा नहीं करती तो रंगे हाथों कैसे पकड़ती? तो क्या हो गया, मैंने अगर निकिता के साथ हंस-हंस के बातें कर ली तो मेरा चक्कर हो गया उसके साथ? कहां से लाती हो इतने घटिया थॉट? एंड यू नो व्हाट, मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन देना होगा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और आखिरी बात कह रही हूँ, अपनी हरकतों से बात नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। तुम्हें जो करना कर लो, मैं देख लूंगा। विक्रम, दीदी सारे बच्चे चले गए ना? हाँ दीदी, बस नमन रह गया। राधा। हाँ दीदी। बाहर टेबल पे भी ना कुछ फ्रूट्स रखे हैं। निकिता, हाँ। निकिता पहाड़ा में बोल रही हूँ। निकिता, निकिता पहाड़ा में बोल रही हूँ। चाहती क्या है तू? हाँ, क्यों मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है? ये आप क्या कह रही हैं सुमन जी, मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग मत कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तूने मेरे पति को कैसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है। ये देख कैसे हाथ लगा कर खड़ी है उसके साथ। बस मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। ना मुझे आपके पति को अपने प्यार में फंसाने की जरूरत है, ना किसी और को। खुश हूँ मैं अपने बहू के साथ। मम्मा क्या हुआ? देखो जो तुम्हारे साथ कोई भी बहस में नहीं पड़ना है, मैं यहाँ नमन को लेने आई हूँ और आज के बाद नमन को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। प्यारी जैसी आप। नमन, नमन देखो बेटा मम्मा आई है। नमन, नमन, राधा, नमन, 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 राधा कहाँ है नमन? दीदी नमन तो यहीं पर था, सीढ़ी पर बैठा था। नमन, राधा तुम कुहू के पास रहो, मैं नमन को देखती हूँ। नमन, नमन, एक छोटा बच्चा देखा? अरे भाई साहब, भाई साहब अपने एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? ब्लैक कलर का टी शर्ट और पैंट पहन के गया। कुछ पता चला? ढूंढने का नाटक कर रही है तू? मेरे पति को तो मुझसे दूर कर दिया है, अब मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहती है। देखो ऐसी कोई बात नहीं, तुम प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? यहाँ मेरा बेटा नहीं मिल रहा है और तुम मुझे शांत होने बोल रही हो? मैंने तुम्हारे भरोसे मेरे बेटे को भेजा था। कहा है मेरा बेटा निकिता? मुझे मेरा बेटा चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं बताओगी ना तू? मैं दिखा रही हूं। बस सर, सर यही घर है। कमल, आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने बच्चे के साथ किसी को देखा हो, और अगर आसपास सीसीटीवी है तो वो भी खंगालो। जी सर। चलिए। सर नमन यहाँ बाहर खेल रहा था और मैं तो अंदर थी सर। मुझे खुद सुमन जी के साथ पता चला कि वो गायब हो गया। सर झूठ बोल रही है ये। निकिता मेरा नमन कहाँ है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैडम हमें हमारी पूछताछ करने दीजिए, आप जरा दो मिनट बाहर वेट करिए। सर मुझे मेरा बेटा चाहिए। निकिता मुझे मेरा बेटा चाहिए। सर, सर सुमन जी मुझ पर फालतू में शक कर रही है। उन्हें लगता है कि मेरा उनके हस्बैंड के साथ अफेयर है।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर, और ना नमन के गायब होने में मेरा कोई हाथ है। यहाँ बाहर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए? सर बाहर तो कोई सीसीटीवी नहीं है। और अंदर? क्या बच्चों को ऐसे हैंडल करती हैं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बस आज निकिता जी, आज के दिन के हिसाब से कुछ ज्यादा घटना नहीं होगी सर। वो दोनों बच्चे, देखिए जो भी कहना है थाने चल के कहिएगा। चलिए राधा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आप प्लीज कुहू के साथ ही रहिए। हाँ दीदी। कुहू बेटा, मम्मा बस अभी गई और अभी आई। ओके, आप नमन दया को ढूंढने जा रहे हो ना मम्मी? हाँ बेटा, चलो अब आप दीदी के साथ खेलो। देखिए मैं मानती हूँ कि मुझे नमन के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। देखो ये सेंटर से हम थोड़ा ठीक करें। दीदी आई, वो तुम कॉर्नर वाला ठीक करो, मैं आती हूँ। ठीक है? ओके मम्मा। नमन तो मेरी मम्मा को अपनी मम्मा क्यों बोलता है? वो मेरी मम्मा है, तेरी नहीं। वो मेरी भी मम्मा है। नहीं वो मेरी मम्मा है। अरे बोला ना मैंने, वो मेरी मम्मा है। नहीं वो मेरी मम्मा है, तेरी नहीं। इसको तो अब भी समझा। छोड़ो से, हटो। लगी तो नहीं, कितनी जोर से बाल खींचा उसका। तुम ना बहुत बदतमीज हो गए हो, दोबारा ऐसा किया ना तो दूंगी ये खींच कर। वो सच बोल रहे है, आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप उसकी मम्मी हो। पर सर उसके बाद मैंने उससे माफी भी मांगी थी। आई एम वेरी सॉरी बेटा, अगर नमन ने मम्मा को माफ नहीं किया तो मम्मा ऐसे ही कान पकड़ के खड़ी रहेंगी। इट्स ओके। ये कैसा इट्स ओके है? और अगर इट्स ओके है तो नमन की स्माइल कहाँ गई, कहाँ गई? सर मोहल्ले में किसी ने भी नमन को किसी के साथ जाते नहीं देखा, और सर उस एरिया में कोई सीसीटीवी भी नहीं है कि उसकी ट्रेल पता की जाए। और वो जो सुमन ने क्लेम किया था कि उसके हस्बैंड और निकिता के बीच में एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, उसका क्या हुआ? नहीं सर, ऐसा कोई साइन नहीं मिला है निकिता की सीडीआर से, लेकिन लोगों का ये कहना है कि निकिता नमन पर जान छिड़कती थी। सुमन भले ही ये कह रही है कि आउट ऑफ दिल से निकिता ने उसके बेटे को गायब किया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नमन ने कुहू को हर्ट किया जिसकी वजह से निकिता ने उसके बेटे को गायब कर दिया। ये निकिता को अपने फिलहाल जाने दिया है, लेकिन इस पर नजर रखो। नहीं मुझे नहीं खाना मम्मी का। मम्मी आ जाएगी। मम्मा आप कहाँ रह गए थे, नमन भैया मिले क्या? हाँ नमन भैया मिल गए, और उन्होंने गुड बॉय की तरह अपना खाना भी फिनिश कर लिया और सो भी गए। चलो अब हम भी जल्दी से खाना खाएंगे और सोएंगे। ओके आओ चलो। राधा थैंक यू सो मच, तुम्हें भी लेट हो रहा होगा तो तुम भी अभी घर जा सकती हो। हाँ अच्छा ठीक है दीदी। चलो तब तक हम जल्दी जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने अपनी माँ और भाई दोनों को बुला लिया, लेकिन तुम मुझे अब बता रही हो कि हमारा बच्चा सुबह से गायब है। तुम्हारे पास टाइम कहाँ होता है मेरा कॉल उठाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए? अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है या धमकी देनी है तो उस निकिता को जाके दो जिसने हमारे बेटे को गायब किया है। तुम्हारी इसी थ्योरी की वजह से ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ट हो गई होगी। जिसने हमारे बेटे को अगवा किया वो तो बाहर घूम रहा है, और तुमने एक बेगुनाह के पीछे पुलिस लगा दी।
हेलो क्या हुआ? किसका फोन? नमन के किडनैपर का। नमन के लिए वो पैसे मांग रहा था। 20 लाख रुपया कहाँ है? वो बोल रहा था कि 2 दिन बाद फिर कॉल करेगा, टाइम और जगह बताने के लिए। कमल, इस रैंसम कॉल के दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो ये सारा का सारा कांड किसी और ने किया है और निकिता इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, और अगर निकिता ने किया है तो किसी ने उसका साथ दिया है। और निकिता का वो साथी आदमी ही होगा, क्योंकि जिसने रैंसम कॉल किया था वो आदमी ही था। पता लगाओ ये रैंसम कॉल किसने किया और कहां से किया है, और निकिता के जितने रिलेशन है सब खंगाल डालो। जी सर। मम्मा देखो। वेरी गुड, चलो कंप्लीट करो। आदित्य मीना, हस्बैंड ऑफ निकिता भाटी मीना, करेक्ट? हाँ सर, लेकिन निकिता मेरी वाइफ है नहीं, थी। झूठ मत बोलो। हमें पता है कि तुम्हारा और निकिता का डिवोर्स नहीं हुआ है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सीधा सीधा पॉइंट की बात बोलता हूं। निकिता के सेंटर से एक नमन नाम का लड़का गायब हुआ है। अब ये बताओ कि तुमने और निकिता ने ये किडनैपिंग कैसे की और क्यों की? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं और किडनैपिंग, वो भी निकिता के साथ मिलकर। अरे मैं कभी उसकी शक्ल तक ना देखूं। मतलब धोखा दिया उसने मुझे सर, मैं उसको भी माफ नहीं करूंगा। जगमीत, कैसे हो सकती हो यार? हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए और मैंने पूरी सावधानी बरती थी। निकिता, एक मिनट, तुम शादी के पहले से प्रेग्नेंट थी ना? अपने नाजायज बच्चे को जायज नाम देने का प्लान था ना तेरा? एक तो मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, बता किसका बच्चा ये? ठीक है, मत बता। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल, बाहर निकल। आदित्य सुनिए, निकिता और उसके परिवार से मैंने सारे रिश्ते सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। लेकिन वो ढीठ औरत मुझे डिवोर्स नहीं दे रही थी, फिर मैंने दूसरी शादी की। अब एक छोटा बच्चा है मेरा, खुशहाल परिवार है, हंसी खेलती जिंदगी है मेरी। लेकिन ये निकिता नाम का ग्रहण, ये मेरे सर से हटने का नाम ही नहीं ले। हेलो राधा, हाँ आप जल्दी घर आ जाइए। वो एक्चुअली मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना होगा। ठीक सर, मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने नमन की किडनैपिंग नहीं की है। लेकिन निकिता जी, सबूत तो कुछ और कह रहे हैं। नमन आपके कोचिंग सेंटर से किडनैप हुआ और जो रैंसम का कॉल आया वो आपके एरिया के PCO से आया है। रैंसम कॉल मेरे एरिया के PCO से? निकिता जी, किसने आपकी मदद की? आपके पति आदित्य ने? नहीं सर, आदित्य ने मेरी कोई मदद नहीं की। तो फिर किसने आपकी मदद की? कुहू के पिता ने? ये कुहू के पिता है कौन? इस बात का इस केस से क्या लेना देना है? आपका तो इस केस से लेना देना है ना। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। आपकी बड़ी कमाल की लाइफ स्टाइल है, इतना खर्चा अफोर्ड करती कैसे आप? कोई खास वेलफेयर है या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम? मतलब क्या आपका? मेहनत करती हूँ मैं और अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, इसलिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। हमें पता लगा है कि आपने आदित्य को पिछले कई सालों से मेंटेनेंस के लिए प्रेशराइज करके रखा हुआ है, जबकि कई सालों से आप लोग अलग रह रहे हैं।
और कोहू तो उसकी बेटी भी नहीं है। तो क्या हुआ कोहू उसकी बेटी नहीं है तो? मैं तो अब भी उसकी पत्नी हूँ ना। मुझे डिवोर्स दिए बगैर उसने दूसरी शादी की और अपनी फैमिली बनाई। सर इसे ब्लैकमेल करना नहीं अपना हक मांगना कहते हैं। एक बात तो है निकिता जी, आप कोई अबला नारी तो है नहीं, एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट लेडी है। सर इस दुनिया में सर्वाइव करना है ना तो कम हो या ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट तो बनना ही पड़ता है, और मैं तो एक सिंगल मदर हूँ। ये निकिता जितना जमीन के ऊपर है ना उतना जमीन के अंदर भी है। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि किडनैपिंग में इसी का हाथ है और उसका साथ यह कुहू के पिता ने, तभी इसकी आइडेंटिटी छुपा के बैठी है। एक काम करो, इसे बिठा के रखो जब तक ये पूरा मुंह ना खोदे। हमें कैसे भी करके पता लगाना कि आखिर कुहू का पिता है कौन। लेकिन सर सिर्फ थ्योरीज के बेसिस पे हम ज्यादा देर तक बिठा के रख नहीं सकते ना, हमें सर कुछ ठोस सबूत चाहिए इसके खिलाफ। किडनैपर को वापस कॉल है? नहीं सर, लेकिन एक कांस्टेबल लगा रखा है सारी वर्दी में निकिता के एरिया में, और सर सुमन और विक्रम का फोन नंबर भी सर्विलेंस पर है। लेकिन कमल हम इस तरह से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। ये निकिता की फैमिली गाजीपुर में है? जी सर। शांति जी। जी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा उस लड़की निकिता के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए वो मर चुकी है। प्लीज आप शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए पानी पीजिए। देखिए हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर कुहू का पिता कौन है, क्योंकि शायद उसी ने इस किडनैपिंग में निकिता की मदद की होगी। क्या कभी निकिता ने आपको बताया इस बारे में? निकिता के बारे में ना पहले हम कुछ जानते थे कि उसके बच्चे का बाप कौन है, ना आज हम कुछ जानते हैं। उसकी वजह से पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से हम इस हादसे से उभर पाए हैं। हम लोग उम्र किस पड़ाव पर है कि कभी भी किसी को कुछ हो सकता है। प्लीज आप हमारे जख्मों को हरा मत कीजिए, प्लीज हम सबको अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा भाई कि भैया यहाँ पर नहीं थे, वरना वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या हुआ वीरेंद्र, क्या बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं? भैया और ये पुलिस यहाँ क्यों आई थी? डैन डैन है मम्मा, ये केक कैसे दिख रहा है? ये केक दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन टेस्टी है खाने में, खाओ देखो है ना टेस्टी, खाओ खाओ जल्दी। चोरी पकड़ी गई ना, अकेले अकेले केक खा रहे हो, पापा को नहीं खिलाओगे? एक सेल्फी लेते हैं। मैम निकिता मैम कहाँ है? मुझे अभी मिलना है निकिता मैम से। ऐसे कैसे मिलने दो? मैम आप समझ क्यों नहीं रही है, मेरा निकिता मैम से मिलना बहुत जरूरी है। सर प्लीज सर मुझे निकिता मैम से मिलने दीजिए, वो कुहू सर कुहू कहीं गायब हो गई है। क्या कुहू गायब कैसे हो सकती है? वो मैडम मैं गायब हुए 3 घंटे हो चुके हैं। निकिता जी आपको रैंसम के लिए कॉल आया तो हमें इन्फॉर्म करिए। जी सर। सर पर प्लीज मेरी बच्ची को जल्दी ढूंढ लीजिए। कमल बच्चे की डिटेल आसपास के लोकल थानों और जितने भी भीड़ चौकी सब में पास ऑन कर दो, और जितने भी किडनैपिंग गैंग्स हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। ये नमन किडनैपिंग केस और अब ये दूसरा केस, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है सर? मुझे तो लगता है कि निकिता ने अपनी मेड के साथ मिलकर ये सारा नाटक रचा है।
हेलो, ये लड़की आज दोपहर में राजनगर से गायब हुई है, किसने किया ये? नहीं पता साहब, ये काम हमारे किसी गैंग के आदमी ने नहीं किया। सर, नमन किडनैपिंग केस में किडनैपर्स का दोबारा कॉल आया था और सर कॉल निकिता के एरिया से आया था, लेकिन इस बार दूसरी जगह से। कमल, उस पीसीओ की लोकेशन कॉन्स्टेबल के साथ तुरंत शेयर करो, ये कॉल इस बार पहचानी चाहिए। सर, मैंने नमन को किडनैप नहीं किया, मैंने तो बस पैसे मांगे थे। नमन को किसने किडनैप किया? मैंने ही नमन को गायब किया था सर, कि सारा ड्रामा मैंने ही रचा था। अरे नमन, माँ आज आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ बेटो, दरवाजा बंद करो। पता है माँ, आज मुझे निकिता ने बहुत डांटा और जोर से धक्का भी दिया। अच्छा, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोलना, उन्हें तो मुझे सॉरी बोला है और मैंने भी के बाल खींचे थे। ठीक है, मैं आपकी निकिता मम्मा को कुछ नहीं बोलूंगी, अभी हम यहाँ से चलते हैं। मेरा बैग? अरे हम बैग बाद में ले लेंगे, अभी हम आपके नानी जी के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, नमन गाड़ी में ही सो गया, मैं उसे अपनी माँ के घर लेके चली गई। माँ, नमन को कुछ दिन के लिए मैं यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, आप प्लीज ध्यान रखेगी किसी को कुछ पता ना चले। पर सुमन, सुमन तू बोलेगी कर क्या रही है? पर अपने बच्चे को गायब करने का नाटक क्यों रचा तुमने? मैं उस निकिता को सबक सिखाना चाहती थी, नफरत करती थी मैं उससे, उसने मेरे पति को तो मुझसे छीन लिया था, मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लेना चाहती थी। मेरा बेटा उसे मम्मा मम्मा कह के बुलाता था, सब कुछ छीन लेती वो मेरा। तो निकिता की बेटी कुहू को भी तुमने गायब किया है? नहीं सर, कुहू के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। बेवकूफ औरत, अपनी बेवकूफी के चक्कर में पता है तुमने क्या किया? बेवकूफी तो मैंने की है, तभी उस तरुण को मौका मिल गया हमसे पैसे ऐंठने का। जब तरुण को मेरे ड्रामा के बारे में पता चला। हेलो, हेलो दीदी, मैं तरुण बोल रहा हूँ। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे आपके सारे ड्रामे के बारे में पता चल चुका है। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे 20 लाख रुपए दोगे तो। आपके जाने दुश्मन निकिता के घर के पास वाले पीसीओ से फोन कर रहा हूँ, ताकि पुलिस को शक भी हो तो उसके ऊपर हो। मैं 2 दिन के बाद फोन करूंगा, एड्रेस और समय के लिए। नमन को कहाँ रखा है? नमन, बेटा, नमन, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ मेरे बेटे को? नमन, 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 अपनी आंखें खोल नमन। नमन, ये क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मार दिया उसे? क्यों? क्यों मारो? क्यों मारो? क्यों मारो मेरे बच्चे को? दीदी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये बस गलती से हो गया। हाँ बेटा, हम जल्दी घर चलेंगे, ठीक है? तुझे अभी कब भी जाना है? मैं जा रहा हूँ। जल्दी तुझे मम्मी के पास।
नमन, नमन, ओह नो, नमन, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं तुझे इन मॉन्स्टर से नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इंसान रिश्ते इसलिए बनाता है क्योंकि इन रिश्तों की वजह से वो खुद को संपूर्ण महसूस करता है, लेकिन अगर इन रिश्तों के बीच घृणा, लोभ आ जाए तो फिर इंसान अधूरा हो जाता है और फिर पैदा हो जाता है अपराध, जिसकी वजह से न जाने कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। नमन ने अपनी माँ से क्या उम्मीद की होगी, यही ना कि दूसरी माओं की तरह वो उसे हर हाल में हमेशा सुरक्षित रखेगी, लेकिन सुमन के मन में द्वेष ने ऐसा घर कर लिया कि उसने अपने ही हाथों अपने मासूम बच्चे की जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुहू कहाँ है, क्या वो भी किसी के द्वेष का शिकार हो गई है? सर, कुहू मिसिंग केस में अब तक हम खाली हाथ हैं। कहीं कुहू के गायब होने का कारण निकिता की किसी से रंजिश तो नहीं है? कहीं आप आदित्य की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? सर कितनी गलत बात है ये, आप लोग बार बार मुझे मेरे घर से उठा के यहाँ ले आते हैं। सर शरीफ आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। तेरी शक्ल देखने का शौक हमको भी नहीं है। निकिता की बेटी कुहू मिसिंग है। अब कुहू मिसिंग है, पहले जब वो बच्चा मिसिंग था, वो क्या नाम है उसका, वो नमन, तभी आप लोग मुझे उठा के यहाँ पर लाए थे। मतलब कोई भी बच्चा मिसिंग होगा तो आप लोग सीधा मुझे उठा के यहाँ पे लाएंगे। ज्यादा गर्मी मत दिखा देते, अगर हम अपने ठंडी गर्मी दिखाने लगेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा तू, समझा? आदित्य, निकिता तुमको मेंटेनेंस के लिए परेशान करती है, तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, और वैसे भी तुम निकिता को पसंद नहीं करते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको मौका मिला और तुमने बदला ले लिया? देखिए सर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर, बहुत सिंपल सी लाइफ जीता हूँ जिसमें बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पानी, बिजली और बच्चे की स्कूल फीस, दैट्स इट। ये किडनैपिंग विडनैपिंग ये सब मेरे बस का खेल नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। शांति, क्या हुआ जी? इससे कह दो कि चली जाए यहाँ से। क्या लेने आई है यहाँ? तो क्यों चली जाए, हमारा चैन छीनने के लिए, जा यहाँ से, जा। माँ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। एक कुएं तो थी मेरे पास और किसी ने उसे छीन लिया। तुमसे चाहती क्या है? मैं कुछ नहीं चाहती माँ, कुछ नहीं चाहती, बस तुम्हारे कंधे में सर रख के रोना चाहती हूँ। हमारे मुंह पर काली पोत कर तुझे अभी भी हमसे उम्मीद है? सच कहा तुम, मुझे तुमसे, तुम सब से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी, ना पहले और ना आज। निकल, चल निकल। जमीन, ये हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। शांति, कह दो इसे कि यहां से चली जाए। जल्दी कर इसे। हेलो जी, सब आती हूँ। निकिता जी, हमने लोकल किडनैपिंग गैंग से पूछताछ की है, लेकिन हमारे पास कुहू की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपके पास भी रैनसम कॉल कोई नहीं आया है, और आए थे ऑलरेडी हमारे रडार पे है। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई और आदमी ऐसा हो सकता है जो कुहू को गायब कर सकता है? पता नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुहू के पिता हो सकते हैं क्या? निकिता जी बोलिए, कुहू के पिता हो सकते हैं क्या? कुहू के पिता हैं कौन? आपकी बेटी की जान खतरे में, और आपकी ये चुप्पी आपकी बेटी की जान पर भारी पड़ सकती है। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं प्लीज घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। निकिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है,
नाजायज होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जिंदा रहती है, लेकिन आज जब कुहू की जिंदगी पर बन आई है, उसके बाद भी ये कुहू के पिता का नाम बताने से बच रही है। सर, निकिता की फैमिली शायद कुछ बता पाए। उसकी फैमिली ने तो उसके साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं, और उन्होंने हमें उस दिन भी कुछ नहीं कहा था। एक काम करो, 1 मार्च यानी जिस दिन कुहू गायब हुई थी, उस दिन निकिता के घर के आसपास का डब डाटा निकालो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि क्या कोई निकिता की पहचान का आदमी उस दिन उस एरिया में था। जी सर। निकिता के घर के एरिया का डम डाटा निकाला है, एक नंबर मिला है। किसका नंबर है? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, शांत हो जाइए वीरेंद्र जी, हमने अभी तक कोई इल्जाम लगाया नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि 1 तारीख को जिस दिन कुहू गायब हुई थी, उस दिन निकिता के घर के आसपास के एरिया में आप कर क्या रहे थे सुरेंद्र जी? आप 1 तारीख की बात कर रहे हैं? जी। देखिए उस एरिया में मेरे 3 दुकानें हैं, मैं हर महीने के 1 तारीख को वहां जाता हूं दुकानों से किराया वसूल करने के लिए। अब चाहे तो किसी से ही पूछ सकते हैं। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम में से किसी ने भी उस बच्ची को आज तक देखा तक नहीं है। सामने आ जाए ना हम उसे पहचान तक नहीं पाएंगे। और हम उसी बच्ची की किडनैपिंग का इल्जाम मेरे बड़े भाई साहब को लगा रहे हैं। हमारी भी पुलिस में बहुत पहचान है, अपनी पहचान बताने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए। सर ये सच है कि सुरेंद्र भाटी की 3 दुकानें हैं उस एरिया के अंदर और हर 1 तारीख को रेंट लेने वहां जाता है। और क्या पता लगा? सुरेंद्र भाटी परिवार का हेड है, सब उसकी बात मानते हैं और निकिता की शादी भी आदित्य से इसी ने करवाई थी। सर सोसाइटी में बहुत इज्जत है इसकी, लेकिन निकिता की प्रेगनेंसी पता चलने के बाद सर बहुत शौक में चला गया था। सर स्वभाव से तो बहुत वो शांत नेचर का है। उस हादसे के बाद से सर लोगों से मिलना जुलना बोलना चालना बहुत कम कर दिया था, बस जब काम होता है तभी घर के बाहर निकलता है। ये बड़ा भाई सुरेंद्र जितना शांत है ना, छोटा भाई उतना ही एग्रेसिव, यानी कि निकिता का पिता वीरेंद्र, कहीं गुस्से में तो इसने कुछ। देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा अभी तक, लेकिन ये एक लीड मिली है, इसे बिना टटोले हम नहीं जाने दे सकते। एक काम करो, पूरी फैमिली पे नजर रखो, माता को मत छोड़ो। कौन आता है, कौन जाता है, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, मुझे एक एक डिटेल्स चाहिए। मैंने उस दिन कुहू को अगवा किया था। मामा, मामा। अरे बेटा, तुम कुहू हो ना? निकिता की बेटी? हाँ, आप मेरी मम्मी को जानते हो? हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारा नानू हूँ, तुम्हारी मम्मी का ताऊ। तुम्हें मम्मी के पास जाना है? चलो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन तुमने अपनी नातिन को क्यों किडनैप किया? क्योंकि कुहू की बेटी है सर। मेरे ताऊ सुरेंद्र भाटी, वो बचपन से मुझे मॉलिश करते आए हैं सर।
मैंने अपनी माँ को भी सब कुछ बताया सर, पर उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मेरे ताऊ के खिलाफ जा सके। माँ मेरा विश्वास करो, ताऊ जी सचमुच मेरे साथ गलत। तू झूठ बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ माँ। तू सच कैसे साबित करेगी? और अगर ये बात सच साबित नहीं हुई तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ताऊ जी हमें घर से बाहर कर देंगे। इस पूरे घर का खर्चा तेरे ताऊ जी चलाते हैं। बस तू ये झूठी कहानी बनाना बंद कर। बस तू ये आदित्य से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उनसे छुटकारा मिल जाएगा, पर मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज मिलने के बाद उसने भी मुझे छोड़ दिया। और मेरे ताऊ ने दोबारा मुझे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की, पर मैंने भी ठान लिया था सर कि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा नरक नहीं बनने दूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने बच्चे को जन्म दूंगी और उसी के सहारे जीऊंगी। पिछले 5-6 सालों से मैं इसी फिराक में था कि मैं किसी तरह से निकिता को फिर से अपने जाल में फंसा लूं। मैं हर महीने उसके घर के चक्कर काटा करता था, और उस दिन जब मैंने कुहू को अकेला पाया तो मुझे मौका मिल गया। मैं उसे किडनैप करके निकिता को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो फिर से मेरे जाल में फंस जाए। समय आने पर मैं निकिता की बेटी कुहू के साथ भी वही कर सकूं जो मैं निकिता के साथ किया करता था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निकिता तुम्हारी बेटी जैसी थी और तुमने उसको ये सिला दिया। आखिरकार सुरेंद्र को अपने गुनाहों की सजा मिल ही गई, लेकिन इस अपराध का जिम्मेदार वो अकेला नहीं था, निकिता की माँ शांति भी थी। क्योंकि निकिता को यही लगा कि जब वो अपनी माँ के सामने अपनी आप बीती सुनाएगी तो उसकी माँ उसका साथ देगी, उसके लिए आवाज उठाएगी, लेकिन उल्टा उसकी माँ ने ही उसी की आवाज को दबा दिया। इस केस के हर मोड़ पर उम्मीद को सिर्फ निराशा ही हासिल हुई है। रिश्तों ने या तो शोषण किया है या फिर अपनों की आवाज दबाई है। बेहद जरूरी है कि हम अपने परिवार के माहौल को ऐसा बनाएं कि सदस्यों को बेहिचक होकर अपने विचार प्रकट करने की आजादी हो, उनकी बात सुनी जाए, समझी जाए, हर जायज जरूरत को पूरा किया जाए और मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया जाए। रिश्ते हमें संपूर्ण बनाते हैं। रिश्तों को सार्थक बनाने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जहां समर्पण नहीं वहां इंसान और रिश्ते दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।